जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर आपके पास यहाँ पर Redmi 10 Prime या Redmi Note 10s और Xiaomi Mi 11i या अदर जितने भी मैंने डिवाइसेज के नाम जो है थंबनेल में लिखे हुए या टाइटल में लिखे हुए, उन सभी के डिवाइसेज के अंदर जो है यहाँ पर MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि MIUI 13 और एंड्रॉयड 12 वाला जो अपडेट है ना वो आपके डिवाइसेज के लिए कब यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अदर कंट्रीज के अंदर जो है ना अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं MIUI 13 के और एंड्रॉयड 12 के। तो इस वीडियो मूडी डिवाइसेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको इस मंथ के अंदर लगभग अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प दिया, आपके पास जो भी ब्रांड आप जो भी यहाँ पर मॉडल यूज कर रहे हो Xiaomi का, आप उस मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और आप लोग उस डिवाइस के वीडियो देख लेना। तो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोबल अमित के नाम से देखने को मिलता है, इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आके जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे अपडेट आएगी सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स यहीं पर मिलेगी, फिर यूट्यूब कम्युनिटी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं Redmi के 10 Prime में। इस डिवाइस के लिए जो अपडेट है MIUI 13 और Android 12 का, वो ऑफिशियली शेड्यूल था कि इसको जो अपडेट है ना वो यहाँ पर मार्च के महीने में दे दिया जाएगा, बट Redmi Note 10 Pro Pro Max में मिल गया, Redmi Note 10 को अप्रैल में मिल गया, पर यहाँ पर हमारा Redmi 10 Prime ये बीच में यहाँ पर अटक गया। तो इसके अंदर जो है अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ ग्लोबल के अंदर यूरोप, तुर्की और यहाँ पर रशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है ना अपडेट Redmi 10 Prime के लिए यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। ये Redmi 10 Prime का इंडोनेशिया वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि इंडोनेशिया में अपडेट रिलीज हुआ है 13.0.2.0 SKUID, ये आईडी का मतलब हो गया इंडोनेशिया, और स्टेबल 2.6 GB का देखने को मिल जाता है, यानी तकरीबन जो ये अपडेट इंडिया में भी आएगा ना 2.6 GB के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर साइड बार देते हैं कि नहीं देते हैं, जैसे Redmi Note 10 में साइड बार दिया नहीं है, इसमें भी कुछ कह नहीं सकते मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो ग्लोबल साइड में भी अभी कुछ जानकारी नहीं है कि वहाँ पर मिला है कि नहीं मिला है, पर ग्लोबल तुर्की रशिया और यहाँ पर इंडोनेशिया में जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज कर दिए गए MIUI 13 और Android 12 का। बिल्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे इंडोनेशिया में 13.0.2.0 है ना, हो सकता है यही सेम बिल्ड नंबर आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए, नहीं तो 13.0.1.0 का नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी जानकारी मैंने आपको 11 जून को प्रोवाइड कर दी थी, 11 जून को जो है अपडेट यहाँ पर रिलीज हो गया था Redmi 10 Prime यूजर्स के लिए। तो हमारे जितने भी Redmi के 10 Prime यूजर है कृपया यहाँ पर वेट करिए, आपके लिए जो अपडेट है ना इसी महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी अदर कंट्रीज में अपडेट रिलीज होते हैं तो इंडिया में लगभग 2 वीक्स के अंदर अंदर अपडेट आ जाते हैं। अभी सिर्फ एक बचा हुआ है मेरे हिसाब से, ताइवान बचा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक उसमें नहीं मिला है, और एक यूरोप भी शायद रहता है जहां तक मुझे याद है, और बाकी इंडिया रह गया। तो इनके अंदर भी अपडेट जो है ना इसी महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, और जैसे ही अपडेट आता है Redmi 10 Prime के लिए मैं आपको जरूर यहाँ पर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा, टॉप फीचर्स भी आप सभी को बताने वाला हूँ, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ लेते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर Redmi Note 10s। नेक्स्ट डिवाइस आपको देखने को मिलता है ना वो है यहाँ पर Redmi का Note 10s। इसके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूजर्स देखने को मिलते हैं, और Redmi Note 10s में बहुत बार यहाँ पर अपडेट ग्लोबल में रिलीज हो गया, जैसे सबसे पहले यहाँ पर अप्रैल में गया था, फिर मई के अंदर भी अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ, फिर बग के कारण वो भी सस्पेंड हुआ, फिर यहाँ पर 13.0.6.0 के नाम से जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर ग्लोबल साइड में फुली रोल आउट हो चुका है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पर अभी यूरोप, ताइवान, तुर्की और इंडोनेशिया और इंडिया हमारा रह गया जिसके अंदर अभी तक अपडेट नहीं मिला है, और अभी भी जो जून का महीना ख़त्म होने में लगभग 15 दिन यहाँ पर बाकी है, और इस हिसाब से देखा जाए तो जो ग्लोबल में अपडेट गया उसका साइज है 13.0.6.0 SKLMIXM और 2.9 GB देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है ग्लोबल वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो साइड बार भी गया हुआ है, यानी ग्लोबल साइड में जो अपडेट रिलीज हुआ है ना उसके अंदर साइड बार भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसा यहाँ पर देखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला साइड बार जो है आपको देखने को जरूर यहाँ पर मिलने वाला है MIUI 13 का आपके Redmi Note 10s में, क्योंकि 2.9 GB के आसपास अपडेट साइज देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी पैच ये हो सकता है कि आपको जून का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे दिया जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ग्लोबल साइड में फाइनली फुली रोल आउट वहाँ पर कर दिया गया है। अब जो अदर कंट्रीज बाकी हैं उनके अंदर भी यही बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि Xiaomi टीम का भी कहना है कि जून के एंड तक जो है हम लोग अपडेट यहाँ पर इंडिया में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेट हो चुका है Redmi Note 10s के लिए। तो आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है, जितने भी Redmi Note 10s इंडियन यूजर है उन सभी के लिए अपडेट जो है जून के एंड तक हमें देखने को मिल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लीक्स आ रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर चीज
चीज़ को बताया भी है, शाओमी की टीम से बात किया है, उन लोगों ने भी बोला है कि जून एंड तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पर देखने को मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि एक ही दिन ना दो तीन कंट्रीज़ में भी रिलीज़ हो जाता है, जैसे रेडमी 10 प्राइम हो गया या अदर कितने भी डिवाइसेज थे, रेडमी नोट 10 प्रो भी था और भी कई सारे डिवाइस में एक साथ यहाँ पर अपडेट अलग अलग कंट्रीज़ में एक ही दिन यहाँ पर रिलीज़ हो गया था। तो शाओमी वाले हैं ना, एक दिन भी आपके डिवाइसेज में अदर कंट्रीज़ के अंदर अपडेट रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अपडेट 25 जून को रिलीज़ होता है तो 25 जून को इंडोनेशिया में भी चल जाएगा, इंडिया में भी चल जाएगा, ताइवान में भी चल जाएगा, तो एक साथ ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी वाले, क्योंकि हमने फ्यूचर में पास्ट में देखे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर जो अपडेट्स इसी तरह यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, आपके लिए जून के एंड तक जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके रेडमी नोट 10S के लिए, तो वेट करने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसी अपडेट आएगी आपको इंस्टेंट न्यूज़ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हम लोगों को देखने को मिलता है वो है Xiaomi का Mi 11i। जी हाँ दोस्तों, इतना बढ़िया ये डिवाइस अपने प्राइस के हिसाब से, बट अपडेट के मामले में इसमें पता नहीं क्यों Xiaomi ने इतनी देरी कर दी, जबकि हर जगह जो अपडेट है ना Xiaomi 11i यानी कि Mi 11i के लिए हर जगह अपडेट यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। इंडोनेशिया के अंदर भी अपडेट यहाँ पर रिलीज़ हो गया था और कई सारे कंट्रीज़ में भी अपडेट रिलीज़ हो चुके हैं Mi 11i के लिए, और यहाँ पर इंडिया में भी अपडेट रिलीज़ हो गया था। आप देख सकते हो ये 2 जून को मैंने जो यहाँ पर पोस्ट डाला हुआ है Mi 11i एंड Mi 11i हाइपर चार्ज के लिए 13.0.1.0 के नाम से जो है अपडेट यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पर Mi का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था और Mi 11i है, और यहाँ पर इसका सारा वर्जन नंबर भी लिखा हुआ है SKTINXM, ये इसका वर्जन नंबर देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी अपडेट जो है यहाँ पर रिलीज हो गया था, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियोस भी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर भी लिंक शेयर किया था और यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो अपलोड करी थी हमने। तो यहाँ पर जो Mi 11i है ना, इसके लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज हो गया था और अपडेट का जो साइज था ना वो 3GB का देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, जब Mi 11i के लिए स्टेबल अपडेट जब सभी लोगों को देखने को मिलेगा तो भी 3GB के आसपास ही यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो Mi 11i के लिए और Mi 11i हाइपर चार्ज के लिए जो अपडेट है वो इंडिया में रिलीज हो चुका है, Mi पहले टेस्टर को मिल चुका है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा जिस कारण जो अपडेट को पब्लिकली तौर पर अभी तक नहीं रिलीज करा गया, क्योंकि 2 जून को यहाँ पर हुआ था और अभी तक जो है पब्लिकली रोल आउट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम होता है ना तो उस अपडेट को थोड़ा डिले कर दिया जाता है पब्लिक यूजर्स के लिए। बट अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, छोटे मोटे अगर कोई बग्स वगैरह होंगे तो उसको यहां पर कंपनी वाले फिक्स कर रहे हैं, जल्दी जो है यहां पर फुली रोल आउट हो जाएगा। ऐसा यहां पर टीम का कहना है कि इसी महीने का आप लोग वेट कर लीजिए, जून के एंड में बहुत ज्यादा यह है कि आपको जून के एंड तक पार्शली रिलीज या पब्लिक रिलीज होते हुए देखने को मिल जाए आपके Mi 11i के अंदर, तो आपको थोड़ा यहां पर वेट करने की जरूरत है। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, यहां पर जल्दी आपको जो है अपडेट यहां पर देखने को मिल जाएगा आपके डिवाइसेस के अंदर कि कब तक यहाँ पर MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 आना है पब्लिकली तौर पे। तो जून एंड तक आप वेट कर सकते हैं और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसी अपडेट आएगी आपको इंस्टेंट वीडियो और न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग आके जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, इतना था आज के इस वीडियो के अंदर। कुछ ये जो डिवाइसेज है जिनके अंदर अभी तक MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो रिलीज़ नहीं हुआ था, बट अब आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी आपके लिए जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है MIUI 13 बेस्ड एंड्रॉइड 12 का, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने बस थोड़ी सी यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। जितने भी हमने डिवाइसेज के बारे में इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्म किया है ना, वो सारे डिवाइसेज के अंदर जो अपडेट है MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 वाला जो अपडेट है ना, वो आप सभी को लगभग इसी महीने की एंड तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और पेशेंस रखिए, आपके लिए बहुत जल्दी जो अपडेट है वो इंडिया में यहाँ पर आने वाला है। तो फिलहाल बस इतना था इस वीडियो के अंदर। बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इनमें से कौन सा डिवाइस यहाँ पर इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जानना जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से सब्सक्राइबर है किस डिवाइस के। तो अपने डिवाइस का नेम लिखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए जाते जाते और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।